ओके फाइन, तो चलो शुरू करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट मैंने 15 मिनट्स में ओपन किया है। टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट्स। इसमें अभी हम चेक करेंगे और जान लेंगे कि ट्रेंड कैसे जाना जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये पता नहीं होता कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में, और इस वजह से वो सही दिशा को चुन नहीं पाते हैं, सही पोजिशन नहीं बना पाते हैं। देखो दोस्तों, कल ये 15 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो ट्यूजडे को हाई पॉइंट था मार्केट का और जो लो पॉइंट था, मतलब कि प्रीवियस डे में जो भी मार्केट में प्राइस को टच किया, वो दोनों प्राइस यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली है, उन पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसका सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट था प्राइस का, वो था 41,729 रुपये, और जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 41,251 रुपये। तो दोस्तों, इस रेंज में मार्केट ने कल मूवमेंट दी है, और ये मोमेंट किस तरह से दी है, तो पहले मार्केट में हुई थी बहुत ही स्ट्रांग बाइंग, लेकिन 41,729 से हुई यहाँ पर सेलिंग। तो ये जो सेलिंग हुई है बात की, इसने पहली बाइंग को ख़त्म कर दिया था, लगभग ख़त्म ही कर दिया था। तो सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग हुए थे। आज भी जब मार्केट में ओपनिंग हुई तो यहाँ पर कैसी कैंडल बनी, मार्केट ओपन हुआ डाउन साइड में, मतलब कि गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन ये प्रीवियस डे रेंज के अंदर ही ओपन हुआ है। मतलब कि 41,729 के हाई से लेकर 41,251 तक ये जो प्रीवियस डे की रेंज है, इसी में ये मार्केट आज का ओपन हुआ था, और उसमें बाइंग आई थी। ये बाइंग की शुरुआत यहाँ से लगभग 41,300 से बाइंग शुरू हुई और ये ख़त्म हुई लगभग 41,470 के आसपास। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर बायर्स कब स्ट्रांग होंगे ये आप जान लो, ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट में आखिर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है सेलर्स का, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमें कैसे समझ में आता है। तो कल का जो हाईएस्ट पॉइंट था, जहाँ से बहुत सारी स्ट्रांग सेलिंग शुरू हुई थी, जब तक कि उस पॉइंट तक आज मार्केट में बाइंग नहीं आ जाती, वो पॉइंट को जब तक आज की बाइंग टच नहीं करती, तब तक ये सेलिंग ख़त्म नहीं होने वाली है। तो 41,729 के ऊपर जब भी बाइंग करते करते बायर्स पहुंच जाएंगे, या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिलेगी, तभी ये सेलिंग ख़त्म होगी। तो इस वजह से आप ये क्लियरली जान लो कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, और जब तक 41,729 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, तब तक ये सेलिंग ख़त्म नहीं होने वाली। तो डाउन ट्रेंड में आपको कैसे पोजीशन बनानी है, तो अगर आप बायर हो तो आप पुट की साइड में बाइंग कर सकते हो, या फिर अगर आप सेलर हो तो आपको कॉल सेल करके भी पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर मेरा ये समझाना आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से इससे समझ में आएगा, प्रीवियस डे में क्या हलचल हुई है ये आपको मार्क करना है, प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, ये आपको मार्क करके उसे समझ लेना है कि मार्केट में आखिर क्या हुआ था और आज क्या होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर आप ये सही तरीके से समझ पाओगे तो आप एक सही पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल पाओगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझाना अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही मुझे फॉलो करें ताकि आप ट्रेडिंग की बारीकियाँ सीख सकें। टेक केयर एंड गुड बाय।